हेलो एवरीवन, वेलकम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल को भी साथ में लेके चलेंगे। पहले क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन अ डीसी मशीन इज ड्यू टू। डीसी मशीन में ऊष्मा हानि अधिकतर प्रतिशत किसके कारण होता है? हम जानते हैं कि जो आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आई स्क्वायर आर सबसे ज़्यादा किस में होता है, कॉपर बाइंडिंग में, जो कॉपर में होता है, जो आपकी कॉपर बाइंडिंग होती है उसमें। तो इसका आंसर जो रहेगा, आंसर सी। सेकंड है, 3 किलोवाट 230 वोल्ट इमर्शन हीटर पावर सर्किट में भी प्रोटेक्ट बाय अ फ्यूज़ रेट एट। इसमें पूछा गया है, ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी फ्यूज़ रेटिंग कितनी रहेगी अगर हम 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे 3 किलोवाट के जो वाटर हीटर को है। तो इसमें जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो आप फॉर्मूला रहेगा, आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी इंटू 1.25। जो आपका 1.25 है ये आपका सेफ्टी फैक्टर है, इसको आपने ज़रूर लेकर चलना है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 3000 वाट, क्योंकि हमने वाट को जो है 3 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करा और अपन में 230 वोल्ट इंटू सेफ्टी फैक्टर को 1.25 लेके चलते हैं। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये जो रहेगा आपका, ये आपका 16 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, इनमें क्या डिफरेंट है, इसको मैंने अलग से वीडियो में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, आप जाके प्ले स्टोर में जाके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन डीसी आर्मेचर इच, ठीक है। तो इसमें जो हो रहा है, इसमें रहेगा आपका बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर बी। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर फील्ड हैव, जो आपका डीसी शंट मोटर की जो क्षेत्र में होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए इसका फील्ड, ये आपका लार्ज नंबर ऑफ टर्न, जो आपकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल होती है, और वायर कैसी होनी चाहिए इसकी, पतली यानी इसको थिन। ये जो आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट है, इफ द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर विच ड्राइव द डीसी शंट जनरेटर इज इंक्रीज द जनरेटिंग ईएमएफ विल बी। यदि आप प्राइम मूवर की गति को जो डीसी जनरेटर को ड्राइव करती है उसको बढ़ा दी जाए तो ईएमएफ कैसे होगी, तो ईएमएफ जो इसकी ऑब्वियसली बढ़ेगी, जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपेसिटर इज पोलराइज्ड, किसकी पोलरिटी रहती है, जैसे जैसे कैपेसिटर में रहते हैं ना प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस की जगह प्लस में ही कैपेसिटर का जुड़ना चाहिए और माइनस की जगह माइनस में ही जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रहता है, ये रहता है आपका किस में, इलेक्ट्रोलाइट में, आंसर सी। नेक्स्ट है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 100 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, आपके पास 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं जो 100 माइक्रोफेराड के हैं, उसको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेगी इसका, इसके लिए जो फॉर्मूला है, 1/TC, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज में बराबर रहेगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। तो इसको कैसे करेगा, ये है आपका 1/100 + 1/100 + 1/100, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, इक्वल
वन अपॉन सी वन, यह रहेगा आपका थ्री अपॉन हंड्रेड। अगर आप इसको सी के फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी कि हंड्रेड ऊपर चला जाएगा और थ्री नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरह तो आपके पास जो आंसर रहेगा आपका 33.33 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द चार्जिंग द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड सेल बिकॉम, लेड एसिड सेल का विद्युत अपघटय चार्जिंग के दौरान होता है, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल, आंसर डी। नेक्स्ट है, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू वन फोर्थ देन द करंट विल बी, अगर एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट ले तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी को वन फोर्थ किया जाए तो उसकी जो करंट कैसे रहेगी। कैपेसिटिव सर्किट में क्या रहता है कि कैपेसिटिव सर्किट में वन अपॉन टू पाई एफ सी रहता है फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो इसमें करंट भी क्या रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो करंट भी कम होगा, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, थिकनेस ऑफ ट्रांसफार्मर कोर स्टेपिंग, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना उसकी थिकनेस कितनी होती है, जो स्टेपिंग होती है उसमें जो बारीक बारीक सिलिकॉन के बने होते हैं ना उसकी कितनी मोटाई रहेगी, वो रहेगी आपका 0.35 mm to 0.5 mm। नेक्स्ट है, फुल लोड कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज 400 वॉट, द हाफ लोड कॉपर लॉस विल बी, जो आपका ट्रांसफार्मर रह रहा है इसमें हाफ लोड कैसा रहेगा, इसका जो फॉर्मूला रहता है आपका वो आपका 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस। तो इसको कैसे करोगे, 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस कितना हमारे पास 400 को आप इसमें डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर रह जाएगा आपका 100, तो आंसर इसका आपका बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप एट लो टेम्परेचर, जो कार्बन में जो रेजिस्टेंस रहता है टेम्परेचर में कैसा रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जो कार्बन में रहता है, कार्बन में जो टेम्परेचर रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, ठीक है। और कंडक्टर में कैसे रहता है, कंडक्टर में जो है रेजिस्टेंस रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, अगर टेम्परेचर लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, आंसर ए। नेक्स्ट है, थर्मोकपल कैन मेजर इंस्ट्रूमेंट करंट, जो थर्मोकपल रहता है वो विद्युत धारा माप सकता है किसी हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। विद्युत धारा माप सकता है ये क्या, उच्च आवृत्ति पर, और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो लो वोल्टेज, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूजेस 1.11, आंसर सी। नेक्स्ट, निकल आयरन बैटरी इज मोस्टली यूज इन, निकल आयरन बैटरी जो है अधिकतर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है बी। नेक्स्ट है, हीटर ऑफ 1000 वॉट 240 वोल्ट इज कनेक्टेड विद 15 एम्पियर सॉकेट, साइज ऑफ द फ्यूज विल, इसमें भी आपका फ्यूज़ का साइज निकालना है कि फ्यूज़ का साइज कितना होगा, अगर हमारे पास 240 वोल्ट सप्लाई दी हुई है और आपका 1000 वाट पावर दी है, तो वैसे ही करना जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था ऊपर, इसमें क्या करना है कैसे निकालते आप, I+2P यानी पावर बटा वी इंटू मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 1.25, जब आप इस तरह इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका 5
सी आंसर सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लोएस्ट रेजिस्टिविटी, तो इसका आंसर होगा आंसर डी, सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट पाथ डिजायर मोर ईएमएफ, इसका आंसर आएगा डी, एयर गैप में सबसे ज़्यादा ईएमएफ जो है होती है। और नेक्स्ट है, विच मोटर वर्क एट हाई पावर फैक्टर, कौन सी मोटर अधिक पावर फैक्टर पर कार्य करती है। यहाँ आपने समझना क्या है कि जो अगर पावर फैक्टर पूछे कि पावर फैक्टर किस में सबसे ज़्यादा रहता है, तब आएगा आपका कैपेसिटर रन मोटर। अगर आपको पूछे कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क किस में रहता है, अगर ऑप्शन ए से रखे तो इसमें आपका आंसर ए रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और कैपेसिटर रन मोटर में हाई पावर फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो इसमें पावर फैक्टर पूछा हुआ है, तो पावर फैक्टर पूछा हुआ है तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन सोडियम वेपर लैम्प इज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट गिव विच कलर, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। जो इसमें जब सोडियम वेपर लैम्प स्टार्टिंग होती है ना, सोडियम वेपर लैम्प, तो उसमें आपका पिंक कलर का रहता है, पिंक कलर की रोशनी देता है। ठीक है, अगर आपका जो फुल स्टार्टिंग के बाद जब फुल ग्लो हो जाता है तो वो रहता है, उसके बाद आपका येलो कलर देता है, क्या देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, बाकी इसके में जो डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने अलग से, इसमें पूरी डिटेल है। नेक्स्ट है, इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 30 वोल्ट, द आरएमएस वैल्यू इज, आपने इसको कैसे करना है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला कह रहा है, आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस वैल्यू जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका वी पीक अपन अंडर रूट टू। ठीक है, तो इसका अंडर रूट टू की वैल्यू आपने 1.1414 लेनी है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, बी मैक्स आपके पास दिया हुआ है, बी मैक्स क्या है, 30 अपॉन 1.414, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा, ये आंसर निकलेगा आपका ए, 19.08। ठीक, नेक्स्ट आएगा, करंट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन, एक परिपथ में विद्युत धारा बहती है, कब बहती है, जब ऑप्शन दिया है स्विच खुला हो, स्विच बंद हो, या स्विच, देखो ऑब्वियसली बात है जब आपका स्विच क्लोज रहे आपके पास, ठीक है, आपके पास यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आपने पास करनी है, तो जब स्विच क्लोज होगा तभी पास होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा स्विच बंद हो, ठीक है, स्विच बंद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट आर कॉल्ड, जो आउटर शेल होता है ना, ऑर्बिट होता है जो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको क्या कहते हैं, वो रहते हैं जो आपके, उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है ये, व्हेन द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 20 एंड द प्राइमरी एसी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, द सेकेंडरी वोल्टेज इज, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें टर्न रेशो के बराबर दे रखा है, इसमें आपका V2 अपन V1 इस तरह होता है ना फॉर्मूला, ये और I1 अपन I2। ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है, V2 हमारे पास दे रखा है, हमने क्या निकालना है, प्राइमरी सेकेंडरी निकालना, हमने V1 हमारे पास दे रखा है, V2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसको, आपके पास के दे रखा है कितना, 20 इक्वल्स टू V2 और V1 क्या दे रखा है हमारे पास, प्राइमरी दे रखा है 12 वोल्ट, तो इसको करोगे V2 इक्वल्स टू 20 × 12, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 240 वोल्ट, तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग डिपेंड अपॉन, द आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध रहता है वो आधारित रहता है चालक की लंबाई पर, चालक की
संख्या पर या चालकों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इसमें सभी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, सभी पे डिपेंड करता है ये। द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन, एक ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन द्वारा उत्पन्न यांत्रिक कंपन की डिग्री इस पर निर्भर रहती है। तो ये सभी पर निर्भर रहती है, जैसे साइज पे भी रहती है और गेज पे भी रहती है और थिकनेस पे भी रहती है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, आंसर डी। नेक्स्ट है, दिस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू, ट्रांसफार्मर ऑयल की जो प्रावैद्युत सामर्थ्यता का प्रत्याशित मान रहता है वो रहता है आपका 33 kV। बी, नेक्स्ट है, संपनर टेस्ट इज कंडक्ट ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, जो आप ट्रांसफार्मर पर जो है संपनर परीक्षण रहता है उसको क्या निर्धारित करने के लिए करते हैं इसको, इसका आंसर रहेगा आंसर ए, टेम्परेचर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर, जो ट्रांसफार्मर है किसको ट्रांसफर करता है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, करंट को भी स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, लेकिन ट्रांसफर किसको करता है, ये पावर को ट्रांसफर करता है। तो आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील, निम्नलिखित में से कौन से कंपोनेंट सामान्य सिलिकॉन स्टील से निर्मित होते हैं, तो ये रहेगा आपका स्टेटर कोर। आपको पता है स्टेटर कोर रहते हैं वो सिलिकॉन स्टील के बारीक बारीक पत्तियों से बनी होती है, तो आंसर सी। नेक्स्ट है, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड, जो इंडक्शन मोटर है ना उसकी जो शाफ्ट रहती है वो कैसी रहती है, स्टिप रहती है, सख्त रहती है, ये आपका आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड, ठीक, जो स्लिप रहती है कितनी रहती है, इसमें स्लिप रहेगी इसमें 4%, आंसर सी, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि 4% को अगर हम इसको परसेंटेज को हटा दें तो हमारे पास क्या रहता है, ये आपका 0.004 रहेगा, लेकिन बाद में परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूज मत होना कि 0.0 दे रखा है या ऐसा कुछ दे रखा है। नेक्स्ट है, इन ए कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर द फंक्शन ऑफ रनिंग कैपेसिटर इन अ सीरीज विद द ऑक्सिलरी बाइंडिंग, हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो कैपेसिटर रहता है, रनिंग की बात करें तो रनिंग का मतलब होता है वो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, और स्टार्टिंग का मतलब होता है कि वो स्टार्टिंग करने के लिए, यानी आपका टॉर्क बढ़ाने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये कैपेसिटर में स्टार्ट एंड रन मोटर में ऑक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में चल रहे कैपेसिटर का क्या क्या रहता है, ठीक है। रनिंग कैपेसिटर का बोल रहे तो रनिंग कैपेसिटर का होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी आंसर ए, ठीक। नेक्स्ट है, द टॉर्क डेवलप्ड बाय अ सिंगल फेज मोटर एट द स्टार्टिंग, जो आपका सिंगल फेज मोटर रहती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा रहता है, ये जो इंडक्शन मोटर रहते हैं इनका स्टार्टिंग टॉर्क 0 रहता है, तो आंसर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वाभाविक स्वयं प्रारंभित होती है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है इसमें से शेडिड पोल मोटर, क्योंकि इसमें शेडिड रिंग होते हैं, बाकी स्लिप मोटर जो रहती है उसमें भी कैपेसिटर यूज रहता है आपका, तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी। नेक्स्ट है, बर्निंग आउट ऑफ वाइंडिंग इज ड्यू टू, वाइंडिंग इस कारण से जल जाती है क्योंकि अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है ना तो वो क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करता है, स्टार्टिंग में जो करंट है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, और आपका टॉर्क डेवलप करता है जो स्लिप फेज मोटर वगैरह होती है ना उसमें, तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो डायरेक्ट हाई करंट जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट की कैपेसिटर की वजह से जो है मोटर की जो बाइंडिंग है वो जल जाएगी, तो आंसर ए। नेक्स्ट है, रेंज ऑफ एफिशिएंसी फॉर शेडिड पोल मोटर, जो शेडिड पोल मोटर की दक्षता है वो कितनी रहती है, इसकी बहुत कम एफिशिएंसी रहती है शेडिड पोल की, तो ये आपका आंसर रहेगा 5
डी 5 से 35% तक। नेक्स्ट है, इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटेटिंग हैज नो टीथ और नो बाइंडिंग। एक सिंगल फेज मोटर में रोटर के दांत या बाइंडिंग नहीं होती है, और किस में नहीं होती है? जो 39 है इसमें पूछा हुआ है कि एक सिंगल फेज मोटर का जो रोटर है जिसमें ना टीथ होती है ना बाइंडिंग होती है, वो कौन सा मोटर है? तो इसका आंसर रहेगा सी, हिस्टेरेसिस मोटर। ऐसे मोटर है जिसमें ना टीथ होती है और ना बाइंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल मोटर यूज इन पोर्टेबल ड्रिल, जो आपकी पोर्टेबल ड्रिल होती है उसमें कौन सी मोटर यूज होती है? उसमें होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर, सी। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर मे बी ट्रांसमिट। इसमें से आपके तीन क्वेश्चन बनाते हैं अलग अलग प्रकार से। इसमें पूछा हुआ है, पहला इसमें जो पूछा हुआ पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली से विद्युत शक्ति अंतरित होती है? तो इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जो है ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो सकती है दोनों से, ओवरहेड लाइन से भी और अंडरग्राउंड सिस्टम से भी, ए एंड बी। इसका आंसर रहेगा सी, दोनों से। ठीक है, कई बार पूछते हैं कि ओवरहेड लाइन के बारे में पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर किस में ट्रांसमिट होती है, तो आएगा ओवरहेड लाइन, और सबसे कम होती है अंडरग्राउंड सिस्टम में। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन बी ऑपरेट अबव, जो आपकी भूमिगत प्रणाली है इसके ऊपर प्रचालित होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी 66। नेक्स्ट है, द वुडन पोल बेल इम्प्रेगनाइट विद कोरोजन ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ फ्रॉम। तो वुडन पोल की लाइफ पूछी इसमें, तो वुडन जो रहता है उसकी पोल की लाइफ रहती है आपकी, जो पहले नंबर पे रहता है आपका 2 से 5 साल तक रहती है आपकी, सबसे कम किसकी रहती है? वुडन की रहती है। ठीक है, और उसके बाद सॉरी, इसकी जो वुडन की रहेगी ना आपकी वो 25 से 30 साल तक रहेगी। इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार सामान्य इस रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसका यूज़ किया जाता है आपका स्टे वायर में भी होता है, अर्थ वायर में भी होता है, आपका स्ट्रक्चर कंपोनेंट। इसका आंसर डी रहेगा आपका, सभी में, इसमें से ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, द यूजली स्पेन विद आरसीसी पोल आर, जो आपके आरसीसी पोल्स होते हैं उसमें सामान्य तो रहता है आपका, जो आरसीसी पोल है उसमें रहेगा आपका 80 से 100 मीटर तक। इसका आंसर रहेगा आंसर सी, जो आपका 40 से 50 मीटर तक रहेगा इसमें रहेगा आपका वुडन, 60 से 100 मीटर तक रहेगा आपका ट्यूबुलर पोल, और 80 से 100 मीटर तक रहेगा आपका आरसीसी पोल, एंड लास्ट जो आपका 100 से 150 तक रहेगा आपका टावर्स वगैरह, ये इतने डिस्टेंस में रहते हैं ये पोल ना। नेक्स्ट है आपकी, द कोरोजन इज कंसाइडरेबल अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोरोना विशेष रूप से प्रभावित होता है? कोरोना जो रहेगा आपका साइज ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड रहेगा, शेप ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड रहेगा, जो सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर की जो सरफेस थे की जो उसकी कंडीशन रहेगी, इसकी स्थिति है, उस पर भी डिपेंड रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आंसर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा हुआ 47 पूछा है इसका, 310 किलोमीटर की लंबी लाइन है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? ये आएगी आपकी लॉन्ग लाइन पे, ठीक है, जो शॉर्ट लाइन होती है वो होगी आपकी 15 से 30 किलोमीटर तक की, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर ए।
नेक्स्ट है द फेनोमेना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किट ऑफ लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड। हल्के भार की रेखा के खुले परिपथ के ग्राही सिरों पर वोल्टेज में वृद्धि की घटना को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आप फैराडे इफेक्ट। बी नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन। इसको समझने के पहले आप एलटी की वोल्टेज समझेंगे। एलटी होती लो टेंशन, लो टेंशन की वोल्टेज रहती है आपकी 11 केवी। और एसटी हाई टेंशन की, एसटी की रहती है आपकी 33 केवी। एसटी के बाद आता है एसटी सुपर टेंशन, जो हमें पूछा गया है, जो एसटी की वोल्टेज रहती है वो आपकी 66 तक, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिट लाइन इन इंडिया आर, इसमें पूछा हुआ कि भारत में ज़्यादातर उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है किसमें, हाई वोल्टेज किसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप ओवर हेड लाइन पे। अंडरग्राउंड में तो आपको लिमिटेड है 66 तक है, और ओवर में कितना है 760 किलो वाट तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली आर, भारत में वितरण लाइन में सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात हो रही है इसमें ना, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जनरली हम आरसीसी पोल का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं ना उसमें भार कैसा रहता है, ये जो रहेगा आपका अनबैलेंस्ड लोड रहेगा, इक्वल लोड नहीं रहेगा आपका, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका आंसर बी अनबैलेंस्ड लोड। नेक्स्ट है 53 है ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ, जो ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस आर्म है वो बनी होती किसकी बनी होती है, वो स्टील की होती बनी क्रॉस आर्म, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 किलो वोल्ट लाइन इज अबाउट, जो भूमि और एक 220 किलो वोल्ट लाइन के बीच की न्यूनतम क्लियरेंस है लगभग, ये रहनी चाहिए आपकी 7 मीटर तक। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 55 से आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।